सो फ्रेंड्स, आज का ऑप्शन एक रो हाउस कात्रप लोकेशन, एकदम प्लीजेंट पीसफुल लोकेशन है। पीछे बहुत बड़े से माउंटेन्स हैं। ये है रो हाउस, 1500 स्क्वायर फीट का ये मिलता है टोटल आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, एक कार यहाँ पे पार्क करो और दो यहाँ पे, मतलब तीन कार तो आप इजिली पार्क कर सकते हो। अगर आप बैकयार्ड देखने जाएंगे तो बैकयार्ड में आप अपने लिए गार्डन कर सकते हैं, या पेड़ लगा के आप यहाँ पे भी कुछ चीजों को यूज कर सकते हैं। आपको मिलता है मेन डोर का एंट्रेंस, मतलब जो मेन एंट्रेंस है, इसके साथ में यहाँ पे भी आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। इसके तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा लिविंग रूम, आपका किचन काफी बड़ा सा, और एक बेडरूम, और ऊपर आपको दो बेडरूम मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ एक टेरेस और ऊपर छत। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप पहुंच चुके हैं रो हाउस के लिविंग रूम में। ये आपका मेन एंट्रेंस होगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे वुडन सेफ्टी डोर भी मिल गया। ये आपका लिविंग रूम है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा आपका लिविंग रूम। अराउंड 12.5 फीट इतना ये लंबा है आपका लिविंग रूम। इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से आगे चल के डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपका ग्राउंड लेवल है, थोड़ा सा लाइट नहीं है, मैं लाइट जला लेता हूँ मोबाइल का। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये है आपका किचन, काफ़ी बड़ा सा किचन आपको मिल जाता है। एल शेप में आपका किचन है, यहाँ पे आपको मिलता है डोर, लॉक स्पेस भी ऊपर मिल जाता है। अगर आप कंडीशन देखेंगे ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छे कंडीशन में है, आप इसे अपने हिसाब से कलर कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मिलता है एक और इंट्रेंस। बेसिकली अगर बात करेंगे ना तो दो इंट्रेंस है, एक तो ये वाला आपको मेन इंट्रेंस है सामने से, लेकिन समझो आप गाड़ी अपना पार्क करके आते हो तो आप यहाँ से एंट्री भी कर सकते हो। ये आपका स्पेशियस बेडरूम, आप देख सकते हैं काफी बड़ा सा, लंबा सा और चौड़ा सा बेडरूम आपका। यहाँ से भी व्यू देखेंगे ना तो ये आपका बैक साइड का व्यू है। अब ये बैक साइड को ना, अभी क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई है नहीं इसलिए इस तरीके से है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, गार्डन कर सकते हो, या पूरा का पूरा आप पेव कर सकते हो। आपको यहाँ पे पीछे मैंगो ट्री भी मिल जा रहा है इस तरीके से। अगर इस व्यू से देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा सा आपको बेडरूम मिल जाता है, ऊपर आपको लॉफ्ट स्पेस भी। ये आपका ग्राउंड लेवल था फ्रेंड्स। अगर इसके बाद मैं अपस्टेयर्स जाऊँ ना तो आपको ऊपर भी दिखा दूंगा मैं आपको। ऊपर जाने के बाद आपको मिलेंगे क्या, तो दो बेडरूम, आपको कॉमन एक नीचे बाथरूम मिलता है, ये है आपका समझो दूसरा बेडरूम, या यहाँ पे इस तरीके से सेम साइज, और आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका वॉशरूम, टॉयलेट, ये सारी चीजें। यहाँ से अगर आप देखेंगे व्यू तो भी बहुत प्यारा सा ग्रीनरी के साथ में व्यू मिल जाता है। बेडरूम की साइज़ की अगर बात करेंगे ना फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा आपको साइज मिल जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ का आपका कॉमन बाथरूम है अलॉन्ग विद योर WC। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो ये है आपका तीसरा बेडरूम, तो इसका भी साइज अगर आप बात करेंगे काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ा सा इसमें काम भी किया हुआ है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। फ्रंट का व्यू आपका, आप अपना कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, दो कार तो आप आराम से पार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू और कंडीशन एकदम अच्छे कंडीशन में, फिनिशिंग वे में है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे मिलता है पहले फ्लोर का टेरेस, आप इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, तो ये है आपका टेरेस, कवर कर सकते हैं। ऊपर देखोगे अगर ना तो ये आपको फ़र्क दिखेगा, इन्होंने कवर किया रिसेंटली, यहाँ पे इनका कवर है लेकिन ये थोड़ा पुराना हो चुका है, तो आप कवर कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मेन टेरेस। तो एरिया की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1500 स्क्वायर फीट का टोटल ये है पार्सल, ये आपको मिलता है रो हाउस। इस तरीके से आपको छत मिल जाती है, क्योंकि ये पुराना हो चुका है इसलिए टपक रहे, अदरवाइज कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका टेरेस। यहाँ पे आपको वाटर स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके का पूरा आपको एक टेरेस यूज़ करने के लिए मिल जाता है। तो ये थोड़ा वेयर एंड टीयर में खर्चा है, बट इस तरीके का ऑप्शन अगर समझो आप देख रहे थे, आपका बजट भी है, पीसफुल लोकेशन पे चाहिए। मैं पीसफुल लोकेशन क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो विष्णु दर्शन का रो हाउस या बंगलो का सोसाइटी है ना, इसके पीछे अगर आप देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसके पीछे जस्ट ये माउंटेन्स है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है, पीछे कोई बिल्डिंग नहीं आने वाली, ये माउंटेन्स ही है। तो हरदम आपको फ्रेश एयर मिलता है, पीसफुल लोकेशन मिलता है। तो इस तरीके का आपका अगर कुछ रिक्वायरमेंट था
तो आप बताओ, करते हैं वर्कआउट? ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर हाँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगता है कि आप किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।